नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। देश और दुनिया भर के कई हिस्सों में आतंकी संगठनों ने आम नागरिकों का जीना दुश्वार कर रखा है। हर तरफ ये आतंकी दहशत और वहशत का नंगा नाच खेल रहे हैं। इस वक्त अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो जहां एक तरफ अमेरिका तेजी से अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तालिबान एक बार फिर से अफगान की जमीन पर अपना कब्जा काबिज करने की होड़ में जुट गया है। बता दें कि तालिबान का दावा है कि इस मुल्क के 85% भूभाग पर अब उसी का राज होगा। अब ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें अफगानिस्तान में तालिबान ने कई पायलटों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वहां की वायुसेना के अधिकारी भी अपना घर संपत्ति बेचकर किसी सुरक्षित जगह पर बसने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में एक अधिकारी और एक रियल एस्टेट एजेंट को गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। आइए अब आपको पूरी खबर विस्तार में बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों में अफगानिस्तान के 7 पायलटों की हत्या कर दी गई है। ये टारगेट किलिंग है जिसके उद्देश्य है कि अमेरिका और नाटो द्वारा परीक्षित किए गए अफगानिस्तान के पायलटों का सफाया कर दिया जाए। क्योंकि तालिबान के पास कोई वायुसेना तो नहीं है, इसलिए वह जमीन पर युद्ध के लिए अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि यही उनकी मजबूती है। इसलिए वायुसेना अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान के एक प्रवक्ता ने बताया है कि उसने अफगानिस्तान के पायलटों को निशाना बनाने का एक अभियान शुरू किया है, क्योंकि ये लोग उनके ठिकानों पर बमबारी करते हैं। अभी हाल ही में एक खबर भी आई थी जिसमें एक वीडियो को साझा करते हुए कहा गया था, अफगानिस्तान सरकार की ओर से कहा गया था कि उन्होंने तालिबानियों के ठिकाने पर आतंकी अड्डे पर एयर स्ट्राइक की है और उनके ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का कहना है कि 2021 के पहले 3 महीनों में तालिबानियों के कारण 229 नागरिकों की मौत हुई है और अफगानिस्तान की वायुसेना के 41 नागरिकों की मौत का कारण भी बनी है। हालांकि अफगानिस्तान की सरकार ने पायलटों की हत्या पर कोई टिप्पणी तो नहीं की है, लेकिन अमेरिका का कहना है कि वो इस तरह की घटनाओं से वाकिफ है। अफगानिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि पायलट को परीक्षित करने में सालों की मेहनत लगती है और वो ना सिर्फ थल सेना की जरूरी मदद करते हैं बल्कि आतंकी ठिकानों पर बमबारी से लेकर हमले की साजिश रच रहे तालिबानी आतंकियों को निशाना बना के उनकी क्षमता रखते हैं, उनको खत्म करने की क्षमता रखते हैं। मिली खबर के मुताबिक ये पायलट जहां भी रहते हैं, जहां भी होते हैं, वहीं आसपास के आतंकी आकर उन्हें निशाना बना देते हैं। और काबुल के बाहर बगराम एयरबेस को अमेरिकी वायुसेना ने अपना मुख्य ठिकाना बनाया था, लेकिन अब वो इसे खाली कर चुके हैं, जिसके बाद से अफगानिस्तानी पायलट तालिबान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि वो अफगानिस्तानी सेना की मदद करता रहेगा और साथ ही लॉजिस्टिक्स के लेकर परीक्षण और साजो सामान तक के लिए अफगान सुरक्षा बल आपको बता दें कि अमेरिका पर ही निर्भर करेगा। अमेरिकी खुफिया विभाग की आशंका है कि अगले 6 महीनों के भीतर अफगानिस्तान की सरकार गिर सकती है। हाल ही में एक हेलीकॉप्टर को शूट कर दिया गया जिसके बाद तालिबान ने 2 अफगान पायलट को मार डाला था, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार ने हमले की सच्चाई को छिपाने के लिए कहा कि यह एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, जबकि इसका कोई कारण नहीं बताया गया था। अफगान सेना के पास महज 13 MI-17 हेलीकॉप्टर थे और इन्हें उड़ाने के लिए 65 पायलट, और अब तालिबान उन्हें खत्म करने के मकसद से एक बड़ा खूनी अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के पास कुल मिलाकर 160 एयरक्राफ्ट हैं और उन्हें उड़ाने के लिए 339 एयरक्रू, जो अमेरिकी कमर्शियल कंपनी साउथ वेस्ट एयरलाइंस की क्षमता से भी कम है। इनमें से भी 140 ही ऐसे हैं जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है, बाकी मेंटेनेंस में लगे हुए हैं। अमेरिकी खुफिया विभाग का मानना है कि यह स्थिति रही तो अफगानिस्तान की वायुसेना कुछ ही महीनों में प्रभावहीन हो जाएगी। वहीं एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स भी अफगानिस्तान में हो जाएंगे, जिसके बाद उसे एयरक्राफ्ट को इसके लिए विदेश भेजना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के 407 जिलों में आधे से ज्यादा लगभग यानी कि 203 जिलों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, यानी कि 80% जगहों पर तालिबानियों ने अपना कब्जा काबिज कर लिया है। हाल ही में उसने अपने कब्जे वाले जिले की संख्या दोगुनी की है, जिसके बाद यह आंकड़ा काफी आगे तक पहुंच गया है। अमेरिका का कहना है कि 100 जिलों पर तालिबान का कब्जा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि वो अफगानिस्तान की सेना पर भरोसा करते हैं, जो अमेरिका के वहां से निकल जाने के बाद मुल्क को संभालेंगे और वहां के लोगों की हिफाजत करेंगे।
इसी के साथ आपको बता दें कि मुल्क छोड़ चुके एक वरिष्ठ पायलट ने बताया कि एक पायलट के परीक्षण पर बड़ी रकम खर्च होती है, लेकिन उनकी सुरक्षा पर कुछ खर्च नहीं किया जाता। अफगानिस्तान सुरक्षा बल के 1000 जवान भागकर पड़ोसी तजाकिस्तान में चले गए थे, जिनमें से 300 ही लौटकर वापस आए हैं। तो इसी के साथ तालिबान के एक प्रतिनिधिमंडल ने रूस का दौरा भी किया। राजधानी मॉस्को में पहुंचे इस प्रतिनिधिमंडल ने रूस को आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान में उसका प्रभाव बढ़ने से रूस या मध्य एशिया के किसके सहयोगी देशों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तजाकिस्तान ने 20,000 सैनिकों को अपने दक्षिण सीमा पर लगाया हुआ है ताकि अफगानिस्तान में तालिबानी खतरे को वहां पर घुसने से रोका जा सके। लेकिन वही तालिबान का कहना है कि वो लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक समाधान चाहते हैं। इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।